नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई करेगी। सोशल मीडिया पर अब लगातार फिल्म फैटर्निटी एक्टर्स एक्ट्रेस लगातार ट्वीट के जरिए इस खबर को बता रही हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी अपनी बात रखी है ट्विटर पर। उन्होंने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है, एससी डायरेक्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सुशांत सिंह राजपूत डेथ, मे द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सामने आई थी तब भी उन्होंने ट्वीट किया था और अब उनका यह ट्वीट बताता है कि इस मामले को लेकर हर कोई जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस मामले को लेकर अगर आप देखें तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 66 दिन बीत चुके हैं और 66 दिन बीतने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले की जांच कौन करेगा। क्योंकि ऐसे जब आत्महत्या की खबर आई थी उसके बाद मुंबई पुलिस ने तो यह कह दिया कि यह एक आत्महत्या है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद सुर्खियों में तब आई बात जब पटना में के सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई राजीव नगर थाने में। उस थाने में एफआईआर में उन्होंने लिखवाया कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उन्होंने उन परिस्थितियों को क्रिएट किया जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। यहां तक कि पैसे के लेन देन को लेकर भी आरोप है। ईडी ने भी जाँच की, बिहार पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की उसके बाद बिहार पुलिस मुंबई तक गई, वहाँ जांच करने की वह कोशिश करती रही, लेकिन मुंबई पुलिस ने ना तो सहयोग किया ना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला। फाइनली बिहार पुलिस वापस लौटी, जितनी उन्होंने जांच की थी उन्होंने अपने अधिकारियों को वह जांच रिपोर्ट सौंपी, मामला कोर्ट तक गया। रिया चक्रवर्ती ने यह कहा कि इस पूरे केस को मुंबई ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। उनकी ही याचिका पर सुनवाई हो रही थी और अब जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता कह रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार सरकार से यह मांग की थी कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की उस एफआईआर के आधार पर और केंद्र ने इस अनुशंसा को माना। उसके बाद रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर जब सुनवाई हो रही थी तो अब सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई ही करेगी। साथ ही मुंबई पुलिस को भी यह निर्देश है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़े हुए हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप सीबीआई को सौंप देंगे। एक एक डॉक्यूमेंट जो अभी तक आप बिहार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, अब उन्हें तमाम डॉक्यूमेंट्स को सीबीआई को सौंपना होगा। लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा था, लोग भी मांग कर रहे थे, ये लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया था सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला। लोग लगातार कह रहे थे कि इस मामले में ऐसा क्या है कि मुंबई पुलिस कुछ छुपाना चाह रही है या महाराष्ट्र पुलिस उस तरीके से जांच नहीं कर रही है। और फाइनली अब यह पूरा मामला सीबीआई को दे दिया गया है, सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। साथ ही बिहार में दर्ज एफआईआर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और अब तमाम जो भी एक्टर्स हैं फिल्म फैटर्निटी वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को लिख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो फैसला आया है, उम्मीद है कि अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय जरूर मिलेगा। और अक्षय कुमार का यह ट्वीट भी यही कहता है, उन्होंने लिखा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, इस पूरे मामले को सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सौंप दिया है। तो उम्मीद हम भी करते हैं कि सीबीआई अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी और उन तमाम राज से पर्दा हटाएगी जो अभी तक कहीं ना कहीं अंधेरे में है या जिस पर शायद मुंबई पुलिस या यूं कहें कि महाराष्ट्र सरकार पर्दा डाल रही थी, जिसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब उन तमाम राजों से पर्दा जरूर उठेगा।